आपको ये लगता है सर कि अभी चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? सब्सक्राइब एंड स्टे अप टू डेट विद जियोपॉलिटिक्स विद आस्क अभिजीत क्लिप्स। इंडिया के लिए, इंडिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं? लोग ऐसे कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो ही नहीं सकता, लाइक द वर्ल्ड कांट अफोर्ड अ वॉर, नीदर कैन चाइना अफोर्ड अ वॉर नॉर यूएसए। बट अगर वर्ल्ड वॉर 3 को होना है, वो शायद बायो वॉर होगी, ऐसे यही शायद वर्ल्ड वॉर 3 है, यही हमारी वर्ल्ड वॉर 3 है। इसे कहते हैं नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, नो मिसाइल्स, नो अम्यूनेशन, वॉर बाय अदर मीन्स, साइबर वॉरफेयर, बायो वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, लॉ फेयर, बहुत अलग अलग डायमेंशन से वॉर के आज। सो चाइना इज अ वेरी रिस्क अवर्स कंट्री। चाइना बिल्कुल भी नुकसान नहीं चाहता है अपने टेरिटरी के अंदर। अगर उन्होंने इंडिया के साथ हॉट वॉर किया तो इंडिया इतना वीक नहीं है कि जवाब नहीं देगा। पर चाइना इज डेफिनेटली एट अ ग्रेट रिस्क इफ इट रियली एंगेजेस इंडिया इन वॉर। तो चाइना क्या कर क्या चाहता है? आपने वो मूवी देखा है एंटर द ड्रैगन? फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग। सुन त्सू ने कहा था कि द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन वॉरफेयर इज व्हेन यू अचीव एवरी ऑब्जेक्टिव यू वांट विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट। तो चाइना ये चाहता है। तो आइडियली चाइना क्या चाहता है कि इंडिया अपने आप ही चुपचाप मर जाए या फिर फ्रैगमेंट हो जाए और चाइना को कुछ करना ही नहीं पड़े। तो इसके लिए अलग अलग लेवरेजेस यूज़ कर रहा है चाइना। ऑन द वन साइड पाकिस्तान को एज अ काउंटर वेट यूज़ करता है, और फिर वो बहुत सारे अलग अलग उनके स्ट्रेटजीज है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है इंडियन ओशन में ताकि इंडिया को पूरा इनसर्कल कर ले ओशन में भी। नेपाल को यूज़ कर रहा है, बांग्लादेश को यूज़ कर रहा है, श्रीलंका को यूज़ कर रहा है। अलग 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 प्रेशर पॉइंट्स बना रहा है चाइना। सो चाइना वॉन्ट्स कि विदाउट फाइटिंग ही जीत जाए। अभी ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया, साइबर वॉरफेयर भी हो रहा है, हम जाने या नहीं जाने। अभी गवर्नमेंट्स इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन हो रहा है। लेकिन व्हाट वे? अगर आपका अचानक से कहीं पे पावर आउटेज हो गया क्रिटिकल जगह पे, अगर आपका न्यूक्लियर प्लांट में कुछ हैक हो गया, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट कभी बताएगी नहीं, राइट? ये सब बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती है। अगर मुंबई में अचानक से पावर आउटेज आ गया, रिसेंटली हुआ था ऐसा, तो दिस कैन अफेक्ट स्टॉक एक्सचेंजेस, दिस कैन अफेक्ट पूरा इकोनॉमी को उड़ा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स है, लेवरेजेस है। आपका अगर आप कोई स्पेस क्राफ्ट को कहीं पे लैंड करा रहे हो, लास्ट मिनट पे कुछ ट्वीक कर दो, स्पेस क्राफ्ट उल्टा होके गिर जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे टैक्टिक्स है, मेथड्स है, स्ट्रैटेजीज है जो चाइना यूज़ करता है। सो दिस इज़ वॉरफेयर बाय अदर मीन्स। ये लोग हॉट वॉर नहीं चाहते हैं, ये लोग चुपचाप दुनिया को दबा देना चाहते हैं। चाइना इज गुड एट दिस। सर पर ये यूएसए को क्यों नहीं टारगेट करते, इंडिया को क्यों टारगेट करते हैं? इंडिया तो सेकेंडरी टारगेट है उनका। ओके, मेन टारगेट तो यूएस है। अगर आप पिछले 20 साल में चाइनीज नई टेक्नोलॉजी देखेंगे, वेदर इट इज फाइटर एयरक्राफ्ट, उनका जो नया जो लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट है जे समथिंग, J-12 और J-22 और व्हाटएवर, इट इज एन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द अमेरिकन F-22 रैप्टर, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी। इन्होंने ये सब हैक करके निकाला है इन्फॉर्मेशन। देर वॉज अ फेज ऑफ हैकिंग कॉल्ड टाइटन रेन, उसका कोड नेम अमेरिकन से दिया था टाइटन रेन, जिसमें चाइना ने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ का ट्रेड सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट किया था। ये कब हुआ था? इन द अर्ली 2000s। ओके, इन द लेट 90s, अर्ली 2000s, एंड इट इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी यूएस ने काफ़ी टाइटन कर दिया है, लेकिन बहुत सारा उनका ट्रेड सीक्रेट्स चला गया, मिलिट्री सीक्रेट्स, सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज चाइना ने एक्वायर कर ली थ्रू हैकिंग। तो चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है साइबर वॉरफेयर में, हैकिंग में, और उन्होंने यूएस को प्राइमरीली टारगेट किया है। इंडिया सेकेंडरी टारगेट है।